आज जिला कमेटी सोलन की जो है बैठक की गई। इस बैठक के अंदर पूरे जिला सोलन से जो है साथियों ने भाग लिया। इसके अंदर मुख्य मुद्दा हमारा था कि 16 फरवरी को जो है पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय जनरल स्ट्राइक होने जा रही है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण मुद्दे जो मजदूरों के श्रम कानून है, 44 श्रम कानून है, मोदी सरकार ने उन श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है। उन 44 श्रम कानूनों की जगह जो है 4 श्रम संहिताएं को लागू किया गया है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो 44 श्रम कानून है उन श्रम कानूनों को लागू किया जाए, क्योंकि उन श्रम कानूनों के खत्म होने से जो मजदूरों के अधिकार है उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया है, जिससे नीतियां जो है ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों के फेवर में बन रही है। उन कानूनों के अंदर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि मजदूर अगर हड़ताल पे जाता है, अपनी मांगों को जो है उद्योगपतियों के सामने रखता है, तो उसके अंदर सजा और बहुत भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसके साथ साथ हम जो है आने वाले जो जनरल इलेक्शन है उस इलेक्शन के अंदर भी जो है जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ जो है पूरा का पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि जो ये सरकार है ये आम जनता विरोधी मजदूर विरोधी फैसले जो है लगातार लागू करती जा रही है, जिससे जो है मजदूर और आम जनता जो है बहुत पीस गई है। चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश के अंदर दंगे फसाद बढ़े हैं, देश के अंदर जो जनता की एकता है वो टूटी है। इसलिए हम जो है पूरा का पूरा जो मजदूर वर्ग है और सीआईटू के नेतृत्व के अंदर सारा मजदूर वर्ग जो है आने वाले आम चुनाव के अंदर जो है बीजेपी के खिलाफ जो है अपना प्रचार अभियान करेगी, ताकि इस देश के अंदर जो मोदी सरकार है वो जिस तरह के कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, एक तानाशाही रवैया जो सरकार का है पूरे देश के अंदर, उसके खिलाफ एक माहौल बन सके और ये सरकार जो है सत्ता से बाहर हो सके। मुद्दे हैं वो बैक फुट पे चले जाते, पीछे चले जाते। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है इसने 2020 में 22-27 तक दो बिल पार्लियामेंट में लाया। एक कृषि कानून का लाया था, एक जो लेबर लॉ थे उनको बदलने का, और 27 तारीख को उसको पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया, और 28 तारीख को कब कानून माना जाता होगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर, तब तक वो नहीं होता है। तो आनन फानन में कोरोना के टाइम में जिस वक्त लोग धारने भी कर सकते थे, दोनों कानूनों को एकदम पास कर दिया। 27 को करने के बाद 28 को राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया और कानून पास हो गए, और किसानों ने तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा। एक साल से ज्यादा दिल्ली के चारों सारे रास्ते बंद कर दिए, पर